फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नेचुरल होममेड सीरम, इसे आप वाइटलाइजर भी बोल सकते हो। फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे रेगुलर स्किन केयर करने के लिए क्या करते हैं, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, ये तो रेगुलर स्किन केयर रहता है, पर उसके साथ आप स्किन केयर में सीरम भी ऐड कर लेते हो तो फ्रेंड्स ये फाइटलाइजर का काम करता है। फाइटलाइजर यानी फ्रेंड्स, हम जब खेती करते हैं तब इसमें डालते हैं उसको जल्दी से उगाने के लिए, अच्छे रिटर्न पाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही सीरम आप जब इस्तेमाल करते हो, इससे फ्रेंड्स आपके स्किन का हेल्थ और भी ज़्यादा अच्छा रह जाता है। ये जो मैं होममेड सीरम बना के आपको दिखाने वाली हूँ, ये आपके स्किन टोन को लाइटन कर देता है, स्किन का दाग धब्बे को फुल रिमूव कर देता है, स्किन में ग्लो ला देता है, नेचुरल ग्लो, और फ्रेंड्स आपके स्किन में उम्र बढ़ने का किसी भी लक्षण को आने नहीं देता है, और आ भी चुका है तो उसे मिटा देता है, जैसे कि रिंकल को मिटाता है, स्किन को टाइट बनाता है, उम्र बढ़ने के लिए साथ साथ फ्रेंड्स हम लोग की स्किन सैगी होने लगते हैं, स्किन ढीले होने लगते हैं तो उसे होने नहीं देता है, और हो भी चुका है तो ये टाइट बनाता है आपके स्किन को। आपके स्किन में किसी भी किस्म का दाग धब्बे हो, वो उम्र बनने का साथ साथ जो दाग धब्बे आते हैं वो दाग धब्बे हो, या पिंपल का निशान हो, या धूप से बना हुआ दाग धब्बे हो, तो उन सभी को मिटाने में बहुत ही हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग के साथ स्किन सीरम आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये जो सीरम मैं बनाऊंगी, इसे आप बना के स्टोर भी कर सकते हो, तो इसका एक बहुत अच्छा सा बेनिफिट है, क्या ये आप स्टोर कर सकते हो, कितने दिन के लिए आप रख सकते हो, कैसे रखोगे, ये फुल डिटेल्स मैं बाद में इस वीडियो में बोलूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, किसी भी पार्ट को मिस मत करना। और फ्रेंड्स, ये रेमेडी हर कोई इस्तेमाल कर सकते हो, मैन एंड वोमैन, और फ्रेंड्स इसे कोई भी एज के इंसान यूज़ कर सकते हो, जिनके फेस में एजिंग बनने के सभी लक्षण आ गए हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, और जिनके फेस में अभी तक एजिंग बनने के किसी भी लक्षण नहीं आया है वो भी यूज़ कर सकते हो, जिनके फेस में पिंपल का दाग धब्बे है वो यूज़ करो, फ्रेंड्स जिनके फेस में ग्लो नहीं है वो यूज़ करो इसे, और जिनके फेस में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा धूप से बना हुआ टैन है या दाग धब्बे है, हर रोज़ धूप में जाना पड़ता है, या कटे चले का निशान है आपके फेस में, तो वो इसे इस्तेमाल करते हो तो फ्रेंड्स आपके दाग धब्बे फुल रिमूव कर देता है। और जो लोग अपने कॉम्प्लेक्शन के और भी अच्छा कॉम्प्लेक्शन पाना चाहते हो, यानी जिनके कॉम्प्लेक्शन डार्क है वो आपके स्किन टोन को लाइटन करना चाहते हो, वो भी इसे इस्तेमाल करते हो, तो फ्रेंड्स आपके स्किन टोन का कॉम्प्लेक्शन ये लाइटन करके आपको फेयर स्किन दिलाता है, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करो, हर कोई सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करोगे, क्या करना है, और ये टोटली होम रेमेडीज है, तो बहुत ही इजी सा रेमेडीज भी है और बहुत सिंपल रेमेडी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, फुल डिटेल्स में दिखाऊंगी, अपने फेस में लगा के इसका इंस्टेंट रिजल्ट भी आपको दिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस बात में एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ बेल बटन को जरूर क्लिक करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए पहले जो आपको लेना है, एक कांच की कटोरी आपको पहले लेना है, और उसके बाद फिर से आपको लेना है एलोवेरा जेल। ये मार्केट वाला एलोवेरा जेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको नेचुरल एलोवेरा जेल आपके पास है तो फ्रेंड्स घर पे आपके पौधा है या मार्केट में आपको मिलता है तो वो ले लो। एक चम्मच आपको एलोवेरा जेल इसमें लेना है। एलोवेरा जेल फ्रेंड्स आपके स्किन का रिंकल को मिटाता है। एलोवेरा जेल के बाद फ्रेंड्स इसके साथ आपको जोड़ना है एवोकाडो ऑयल। फ्रेंड्स एवोकाडो ऑयल बहुत बहुत हेल्दी रहता है, क्योंकि ये फ्रेंड्स एंटी एजिंग के लिए बहुत काम में आता है, रिंकल को मिटाने के साथ साथ स्किन में ग्लो ला देता है, स्किन को टाइट बनाता है, और आपके स्किन को जवान बनाने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए हेल्प करता है। और इसके साथ हम लोग एलोवेरा जेल जो रहे हैं, तो एलोवेरा जेल फ्रेंड्स आपके स्किन में धूप से बना हुआ टैन को मिटाने में हेल्प करता है, स्किन में ग्लो लाता है, आपके स्किन का पीएच बैलेंस को बैलेंस में रखने के लिए एलोवेरा जेल बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद आपको इसके साथ जोड़ना है हनी को। शहद फ्रेंड्स बहुत बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए, यह आपके स्किन को ब्राइटन स्किन दिलाने में हेल्प करता है, आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है, उसके साथ ही साथ स्किन का दाग धब्बे को मिटाने के लिए भी हेल्प करता है। तो चींटी तो आएगा ही, देखिए मैंने शहद लिया तो चींटी आ गया यहाँ पे, तो
इसके साथ फ्रेंड्स शहद आपके स्किन में नेचुरल मॉइस्चर दिलाता है, तो इसके वजह से फ्रेंड्स आपकी स्किन का मॉइस्चर खोता नहीं है, आपके स्किन में लॉक हो जाता है और आपकी स्किन खिला खिला लगता है। इसके बाद आपको इसके साथ जोड़ना है रोज़ वाटर। फ्रेंड्स रोज़ वाटर भी बहुत बहुत अच्छा है स्किन के लिए, ये भी आपकी स्किन को ग्लोइंग स्किन दिलाने के लिए, पिम्पल फ्री स्किन दिलाने के लिए, रैशेज़ को कम करने के लिए और हीट रैशेज जो आता है फेस में उसे कम करने के लिए और उसके साथ ही साथ जवान स्किन पाने के लिए, खिला खिला स्किन पाने के लिए रोज़ वाटर बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद मैं इसमें जोड़ रही हूँ फ्रेंड्स लेमन का जूस। अभी लेमन का जूस सभी को सूट नहीं भी कर सकता है, तो फ्रेंड्स आपके फेस में लेमन का जूस सूट नहीं करता है तो फ्रेंड्स आप लेमन को स्किप करके आप यहाँ पर टमाटर का रस एक चम्मच ले सकते हो या आलू का रस एक चम्मच ले सकते हो। तो लेमन का रस फ्रेंड्स आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा, आपकी स्किन का दाग धब्बे को मिटाएगा, आपके स्किन का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है उसे लाइटन करेगा और विटामिन सी भरपूर मात्रा में भी लेमन का जूस में रहता है जो आपके स्किन को जवान बनाने के लिए भी हेल्प करेगा। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लो और मिक्स करने के बाद चलिए अभी मैं अपने फेस में इसे लगा के दिखाती हूँ कैसे आपको लगाना है। लेट्स गो। तो हाय फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ, तो अभी मैं इसे लगाऊंगी, उससे पहले अपने फेस को धो लूँगी। तो फ्रेंड्स धोने के बाद ही इसे आपको लगाना है क्योंकि क्लीन फेस में इसे लगाना है और इस रेमेडी को फ्रेंड्स आप किसी भी टाइम लगा सकते हो, सुबह रात शाम को जब भी लगाओ। लगाने के बाद आपको एक घंटा रखना है और इसे कोशिश करो धूप से रिटर्न आने के बाद ही इसे लगाना, तो फ्रेंड्स इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। तो ये मैंने अपने फेस को धो लिया है, अभी मैं हल्का फेस को पोंछ भी लूँगी। तो पोंछने के तुरंत बाद ही इसे आपको लगाना है ताकि आपके फेस में पानी का नमी रह जाए। तो इसे लेके हाथ से फुल फेस में इसे लगाना है आपको, आँखों के चारों तरफ, होंठ में भी आप लगा सकते हो, नेक में भी इसे आप लगा सकते हो। आँखों के चारों तरफ, नेक में जो डार्क सर्कल आता है या डार्क पैचेस आते हैं उसे ये रिमूव करने में हेल्प करता है। तो इसे लगाने के बाद हल्का मालिश आपको लेना है और इसे कैसे आपको स्टोर करना है वो एक बार आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आप इसे कोई भी कांच की जार में डाल के, ब्लैक जो कांच की बोतल आता है कोई कांच की जार में आपको इसे स्टोर कर लेना है, ब्लैक कांच की जार में स्टोर करके इसे आप 3 दिन के लिए अपने फ्रिज में रखो और 3 दिन बाद आपको रिटर्न इसे बना लेना है। तो 3 दिन के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हो, कांच की मैंने बोला है, पर आपके पास कांच की कोई बोतल नहीं है, ब्लैक कांच की बोतल, तो नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स आप किसी भी तरह इसे 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। और मैं जैसे जैसे ये मसाज दिखा रही हूँ, ऐसा मसाज आपको आता है तो आप करो, नहीं तो फ्रेंड्स आप मुझे फॉलो करो। इसके सिवा फ्रेंड्स आपको ये भी नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आप सिर्फ गोल गोल इसे घुमाओ, ऐसा जो मसाज मैं दिखा रही हूँ इस मसाज से फ्रेंड्स आपकी स्किन टाइट होते हैं, यह आपकी स्किन को लिफ्टन करता है। और थोड़ा सा मसाज लेने से क्या होता है, आपके फेस में ये जो रेमेडी है, ये जो सीरम है, ये फुल 1 से 3 लेयर तक अंदर चला जाता है, जिसके वजह से फ्रेंड्स ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, बहुत जल्दी से रिजल्ट दिलाता है। देखिए मैं इसे लगा रही हूँ, उसे मसाज ले रही हूँ, लगाते ही मेरी स्किन ब्राइट लग रहे हैं। तो इसे ऐसे आप मसाज ले सकते हो। तो अभी फ्रेंड्स मैं आँखों का मसाज दिखा रही हूँ, ये ऐसे मसाज आप करोगे तो फ्रेंड्स ये आपको जल्दी से जवान बनाने के लिए, आपके स्किन में ग्लो लाने के लिए, दाग धब्बे को जल्दी से मिटाने के लिए हेल्प करेगा। और कुछ भी नहीं आता है तो सिर्फ गोल गोल घुमा लो इसे लगाने के बाद, लगाने के बाद 1 घंटा रखो, उसके बाद धो लो। और आप चाहते हो कि इसे एज ए नाइट क्रीम इस्तेमाल करना, तो फ्रेंड्स आप एज ए नाइट क्रीम जैसे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो, रात भर रख के सुबह उठ के धो ले सकते हो। पर मैं कैमरे के सामने हूँ तो मैं अभी का भी इसे धो के दिखाऊंगी, तो इसको इंस्टेंट रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। और आप 1 घंटा रखते हो या रात भर रखते हो तो फ्रेंड्स आपको मेरे से भी 100 गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आपने 100% इसे लगाए हो। तो मैं अभी का भी धो रही हूँ, तब अभी का भी रिजल्ट देख लो फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो घर पे जरूर ट्राई करना। देखिए मैं धोती जा रही हूँ, मेरा स्किन कितना ब्राइट होते जाता है जा रहा है, मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है, ये इंस्टेंट वाला रिजल्ट है। और आप से रख लेते हो तो 1 घंटा रख लेते हो तो फ्रेंड्स बहुत बहुत काम करेगा। तो देखिए मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है, कितना ब्राइट हो चुका है और दाग धब्बे भी हल्का लग रहे हैं और टाइट भी लग रहा है स्किन। तो फ्रेंड्स इसे मैं जैसे बोलूँ ऐसे आपको इस्तेमाल करना है हर रोज। तो रेगुलर स्किन केयर की जैसे हम लोग क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करते हैं, ऐसे इस सीरम को भी आपको रेगुलर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स अच्छा अच्छा महंगा महंगा क्रीम्स भी इसके सामने फेल है, तो
तो मैं पोज भी नहीं हूँ, आप देख सकते हो मेरा स्किन कितना ब्राइट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर रिटर्न आऊँगी को अच्छे से दूरी टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।